यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26 यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26 योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन पहुंचा कि यहोवा यो कहता है कि यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए हैं ये वचन कह दे कि जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूं उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। संभव है कि वे सुनकर अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी उस हानि से जो उनके बुरे कामों के कारण करने की कल्पना करता हूं पछताऊंगा। इसलिए तू उनसे कह यहोवा यो कहता है कि यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुना दी है न चलो और मेरे दास भविष्यवक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूं परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी तो मैं इस भवन को शिलो के समान उजाड़ कर दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर शाप दिया करेंगे। जब यिर्मयाह ने ये वचन यहोवा के भवन में कहे तब याजक और भविष्यवक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे और जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका तब याजकों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया कि निश्चय तेरा प्राण दंड होगा। तूने यहोवा के नाम से क्यों यह भविष्यवाणी की कि यह भवन शिलो के समान उजाड़ हो जाएगा और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई न रह सकेगा। इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भीड़ लगाई। यह बातें सुनकर यहूदा के हाकिम राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ गए और उसके नए फाटक पर बैठ गए। तब याजकों और भविष्यवक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य है क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है कि जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो मैं तुम्हारे वश में हूं जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। हाकिमों और सब लोगों ने याजकों और नबियों से कहा यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य नहीं क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा है और देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मंडली से कहा यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोर सेती मिकायाह भविष्यवाणी करता था उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने वा किसी यहूदी ने उसको कहीं मरवा डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय न माना और उससे विनती न की और तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था उसके विषय क्या वह न पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानि करेंगे। फिर शमायाह का पुत्र उरियाह नाम
किर्यत्यारीम का एक पुरुष यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करता था, और उसने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी की जैसी यिर्मयाह ने अभी की है। और जब यहोयाकीम राजा और उसके सब वीरों और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने, तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न किया, और उरियाह यह सुनकर डर के मारे मिस्र को भाग गया। तब यहोयाकीम राजा ने मिस्र को लोग भेजे, अर्थात अकबोर के पुत्र एलनातान को कितने और पुरुषों के समेत मिस्र को भेजा, और वे उरियाह को मिस्र से निकालकर यहोयाकीम राजा के पास ले आए, और उसने उसे तलवार से मरवाकर उसकी लोथ को साधारण लोगों की कब्रों में फेंक दिया। परंतु शापान का पुत्र अहिकाम यिर्मयाह का सहायता करने लगा, और वह लोगों के वश में वध के लिए नहीं दिया गया।